गोरखपुर में हुआ मार्स महोत्सव जो कि काफी शानदार था, और इस महोत्सव में वो हुआ जो किसी अवार्ड शो में आज तक नहीं हुआ है। जी हाँ, कई सालों बाद इस महोत्सव में एक साथ आए खेसारी और अक्षरा। जी हाँ, इस महोत्सव में और क्या क्या हुआ ये हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। आप सब हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस महोत्सव में उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जो कभी मीडिया के सामने नहीं आते, जिन्हें कोई नहीं जानता और सामने ना आकर ही बड़े बड़े कारनामे करते हैं, उन लोगों को इस महोत्सव में सम्मानित किया गया। और इस महोत्सव में चार चांद लगाया अक्षरा और खेसारी के मजाक ने। जी हाँ, जब तक दोनों स्टेज पे बने रहे तब तक किसी की भी नजरें उनसे हट नहीं रही थीं, क्योंकि बहुत सालों के बाद अक्षरा और खेसारी की जोड़ी इस कदर स्टेज पर आई थी। दोनों जब एक दूसरे से मिले तब ऐसा नहीं लगा कि बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं। जी हाँ, इनकी केमिस्ट्री को देखकर लोगों ने कहा कि इनकी केमिस्ट्री में आज भी वही जादू है। खेसारी ने स्टेज पर लहंगा लखनऊआ गाने को गाया, तभी अक्षरा ने कहा कि खेसारी आप वो गाना गाइए। ये सुन खेसारी थोड़ा मुस्कुराए और बोले कि मैं समझ गया कि आप कौन सा गाना गाने के लिए बोल रही हैं। खेसारी ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा कि इनको भतार वाला गाना सुनना है। ये सुन अक्षरा हंस पड़ी और बोले कि खेसारी आप कुछ भी बोल रहे हैं। खेसारी और अक्षरा की ये नोक झोंक काफी देर तक चली और इस नोक झोंक को ऑडियंस ने खूब इंजॉय किया, क्योंकि इनको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये दोनों इतने सालों के बाद एक दूसरे से मिले हैं। दोनों ने एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह एक दूसरे से बर्ताव किया और इस सीन को देखकर सबके मन में यही बात थी कि काश ये जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर आ जाती। वेल, क्या आप इनकी जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देखना चाहते हैं या नहीं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।